हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू सिंह राठौर अगेन आप लोग को अपने चैनल नीतूज लाइफस्टाइल में वेलकम करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, तो चलिए आज बनाते हैं एक ऐसी सब्जी जो फ़ायदेमंद तो है ही और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देख सकते हैं, इसको हम लोग बिहारी भाषा में बोलते हैं इसको गुल्लड़। तो गुल्लड़ की सब्ज़ी खाने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा, जिनका हेमोग्लोबिन कम होता है उनका हेमोग्लोबिन ठीक हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाता है, डायबिटीज़ पेशेंट इसको खा सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए इस सब्ज़ी को कैसे बनाना है झटपट बनाते हैं और सबको खिलाते हैं। फ्रेंड्स, इस गुल्लड़ को हम लोग को कुछ इस तरीके से कट करना है। देखिए, गुल्लड़ ऐसे रखना है और इसको बीच से कट करना है। ऐसे ही करके सारे गुल्लड़ को हम लोग को कट कर लेना है। सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, हमारा गुल्लड़ इस तरीके से मैंने काट लिया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी पानी और पानी डाल के इसको रखूंगी कुकर में और एक विसल आने तक इसको पका लेना है। तो चलिए कुकर में डालना शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हमारा एक विजिल दे दिया है। अब तब तक कुकर ठंडा होने देते हैं और चलते हैं पहले मसाले की तरफ कि कैसे करके मसाले को रेडी करना है। ये देखिए, हमारा विजिल ठंडा हो गया है। अब कुकर को खोलेंगे। अब कुकर खोल के देखिए, हमारा गुल्लड़ कुछ इस तरीके से स्टीम हो गया है। तो इसको क्या करेंगे, इसका पानी ड्रेन कर देंगे। इस पानी को ड्रेन करने के लिए एक छन्नी लेंगे। ध्यान रहे, प्लास्टिक का कोई चीज़ में मत कीजिएगा, नहीं तो वो बर्तन खराब हो जाएगा। ये हो गया हमारा गुल्लड़, स्टीम हो गया। अब इसको करना क्या है, चलिए हम लोग अब करना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हमारा जो बेसिक मसाला होता है वो सारा मैंने इसमें यूज़ किया है। ये हमारा धनिया पाउडर है, ये प्याज है, गरम मसाला है और ये कश्मीरी मिर्च और नॉर्मल मिर्च, दोनों मिक्स करके आधी आधी चम्मच है। ये हल्दी है और ये हमारा नमक है टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये एज यूजुअल ये तेल है। तो सबसे पहले डालेंगे तेल। कम से कम बड़े चम्मच से 2 चम्मच। अब इसके अंदर डालेंगे हम लोग ये तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग, लाल मिर्च और बड़ी इलायची और उसी के साथ डाल देंगे हम लोग ये गुल्लड़ जिसको थोड़ा सा नाउ फ्रेंड्स ये देखिए, हमारा अच्छी तरीके से भून गया है हमारा गुल्लड़। अब मैंने एक प्याज चॉप करके रखा था, वो डालूंगी और अच्छे से इसको फ्राई कर दूंगी। देखिए बहुत अच्छा कलर लग रहा है ना, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी होता है। जिनको आँख का प्रॉब्लम है, कम दिखता है या रात को नहीं दिखता है, बिना चश्मे का नहीं समझ में आता है कुछ, वो सारा ख़त्म हो जाएगा इसको यदि आप कंटिन्यू करते हैं तो। नाउ फ्रेंड्स, हम लोगों को अब देना है एक बड़े चम्मच से लहसुन। डाल दिया मैंने लहसुन, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और जो खाने को बहुत ही ज़्यादा मैजिकल बनाता है वो है हमारा सॉल्ट। तो वो टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे और अच्छे से सबको भून लेंगे।
और स्टीम कम कर देंगे और एक बार लिड लगा देंगे, इसका ढक्कन लगा देंगे ताकि ये अच्छे से मसाला और गुल्लर अच्छे से पक जाए। तो ये लिड कर दिया मैंने बंद। अब 2 मिनट के बाद इसको चेक करूँगी कि कैसा मसाला रेडी हुआ है। नाउ फ्रेंड्स, 2 मिनट के बाद लीड हटा के देखते हैं, देखिए क्या लाजवाब दिख रहा है। मसाला भी बहुत बढ़िया से भून चुका है और ये देख सकते हैं सारा गुल्लर ब्राउन हो चुका है और टेस्टी तो है ही, साथ में फ़ायदेमंद है। तो यदि अभी तक मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं हेल्दी और नए नए रेसिपी आप लोग के लिए ही बनाती हूँ। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप लोग के पास ही जाएगा। ये देखिए अच्छे से भून लिया मैंने। फ्रेंड्स, अब हम लोग इसको लिड को निकालते हैं और देखते हैं कि हमारा सब्जी कितना तक पका है। ऑलमोस्ट हमारा सब्जी पक गया है क्योंकि देखिए कढ़ाई से मसाला मैंने जो डाला था उससे अब तेल बाहर निकलने लगा है, इट मीन्स कि ये पक चुका है। तो ये ड्राई है तो हम लोग को तो रोटी चावल के साथ खाना होगा, तो थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, कम से कम 1 कप, और अच्छे से इसको करेंगे मिक्स। एकदम हाई फ्लेम पर इसका लीड कर देंगे बंद। और फ्रेंड्स, हम लोग लीड ऊपर करेंगे और देखेंगे हमारा यमी वाला, ये हमारा गुल्लर बन चुका है। कोई दूर से देखे तो ये पता नहीं चलेगा कि ये गुल्लर है, एकदम सेम टू सेम ये मशरूम लग रहा है। तो जिन लोगों को गुल्लर पसंद नहीं है उनको ये बोल के खिलाना है कि ये ना मशरूम है। इस तरीके से देखिए हमारा मशरूम अच्छे से पक चुका है। अब हम लोग इसको सर्व करेंगे रोटी के साथ, चावल के साथ। अब इसको हम लोगों को सर्व कर लेना है, रोटी चावल आपको जिस चीज़ के साथ खाना है। यदि आप इस तरीके से गुल्लड़ बनाएंगे, जिन लोगों को पसंद नहीं भी आया होगा वो लोग ज़रूर खाएंगे, आई प्रॉमिस। तो फ्रेंड्स, बन गई ना मैजिक गुल्लड़ की सब्जी और रोटी। ये बहुत कमाल का लगता है, आप लोग अपने घर में ट्राई करें। और ख़ास करके जिनके घर में हेमोग्लोबिन की कमी होती है, आर्थराइटिस में बहुत ज़्यादा काम करता है, तो ज़रूर ज़रूर बनाएं ये खाना और अपनों को खिलाएं। बहुत ही लाजवाब टेस्ट तो कमाल का है। तो फ़ोन से तो टेस्ट दे नहीं सकती, लेकिन आप लोग जब मार्केट जाओ एक बार ज़रूर इसको लाओ, बनाओ और खाओ। आई प्रॉमिस कि एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट आएगा कि ये बहुत ही अच्छा सब्जी बना था। यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और गुल्लड़ की सब्जी बनाएं। चलिए फिर से मिलते हैं एक अगले वीडियो में।